अभी रास्ते में एक ट्रक पलट गया है। अच्छा बता रहे यहाँ पे लेपर्ड का बहुत ज्यादा खतरा है, लेपर्ड ना बाइक वालों को ऐसे पंजा मार के गिरा लेता है। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कितने का माइलेज दिया है हमारी डोमिनार ने। अब यहाँ से आएगा राइड में थोड़ा सा ट्विस्ट, डोमिनार का कूलेंट आ चुका है बाहर। वो देखो कहाँ पे घर बने हुए हैं, टावर देखो तुम डबल भाई। दो दो क्रेन लगी हुई है यार उठाने के लिए। उठ गया भाई उठ गया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 और हमारी आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो चुकी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आदि कैलाश के लिए निकलने वाले थे, तो आज फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग खड़े हैं फ्यूल स्टेशन, अभी यहाँ से होगा फ्यूल अप, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आज का जो हम लोगों ने सोचा हुआ पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की डिस्टेंस यहाँ से 370 किलोमीटर। गूगल मैप्स में जो टाइम दिखा रहा है वो 9 घंटे के आसपास का दिखा रहा है। देखते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा। हम लोग 5:30 बजे गैरेज पहुंच गए थे, लेकिन वहां से निकलते थोड़ा सा लेट हो गए। हम लोग निकल भी आए थे, फिर बाइक की आरसी कर रहे थे, फिर आरसी लेने के लिए गए, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। गाइस इस सीरीज में कंटिन्यू है, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली आदि कैलाश से रिलेटेड। टोटल जो बजट खर्च होगा वो मैं आप लोगों को हर ब्लॉग में बताता जाऊँगा कितना खर्चा अपना हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कितना पैसा खर्च होता है, कितना पेट्रोल लगता है, स्टे का कितना क्या होता है। वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते रहेंगे जिससे कि आप अगर आदि कैलाश जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो गाइस अभी टैंक बिल्कुल खाली है, अब देखते हैं कि कितना फ्यूल आएगा। बस टैंक फुल हो चुका है, अभी मैं दिखा देता हूँ कि कितना फ्यूल जो है डला है। फ्यूल डला है भाई 11 लीटर, 1080 का फ्यूल है। इसका जो टैंक है वो 12-12.5 लीटर का है, थोड़ा सा पेट्रोल पहले से था, तो 1080 का फ्यूल अप हो चुका है। सो गाइस ट्रिप को कर दिया है 0। ट्रिप 2 लगी हुई है घर से, जो कि 10.5 किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ से फ्यूल अप करवाया, तो यहाँ से भी ट्रिप को हमने 0 कर लिया है। अभी पता चलता रहेगा कि कितना अपना जो फ्यूल है वो गया है, कितना किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है, तो एक माइलेज निकल के आ जाएगा कि बाइक ने जो इतना माइलेज दिया है। वैसे डोमिनार टूरिंग पे अच्छा खासा माइलेज दे देती है। गाइस निकलते 6:15 हो ही गए, अभी एक छोटा सा ब्रेक और लेना है, टी ब्रेक, उसके बाद फिर चलते रहेंगे, उसके बाद फिर एक लंबा ब्रेक लेंगे। सो गाइस चाय पी ली है, अभी कंटिन्यू करते हैं आगे राइड। शिवम ऑलरेडी एमटी को लेके पहले जा चुका है, क्योंकि एमटी के टायर में हवा कम थी तो उसको भेज दिया था। मैंने कहा था अगर पंचर होगा तो ठीक हो जाएगा, वरना और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम साथ निकलते तो फिर अगर पंचर होता तो ज़्यादा टाइम लगता, तो अभी फ़ोन आया था, पंचर तो नहीं है, केवल हवा कम थी। और भाई इस बाइक की गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्लच बहुत ज़्यादा ढीली हो गई शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। भाई सारा जो लगेज है वो हम लोगों ने एमटी पे बांध दिया है, 2 बड़े बड़े बैग थे, तो उसको पॉलीथिन में कवर करके बांध दिया, जिससे अगर रास्ते में बारिश मिले तो हमें रुकना ना पड़े। हम लोग अपने रेन कवर्स पहन के कंटिन्यू राइड करते रहें, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। वरना अगर ऐसे ही बांध के चलते हो बारिश हो उसके बाद फिर बैग को खोल के बांधो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एमटी है भाई फुल्ली लोडेड, और डोमिनार पे हम लोगों ने टेंट और कैंपिंग मैट बांधी हुई है। सो गाइस हर बार की तरह हमारे स्वागत में फाटक बंद है। जब भी हम लोग ट्रिप पे जाते हैं और इधर से होके जाते हैं, तो हमेशा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी फाटक खुला हुआ नहीं मिला, हमेशा बंद मिला है, और इस बार भी बंद है। और ऐसा लग रहा है कि अभी बंद हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है, ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा हमें। भाई ये एमटी पे हमने जो लगेज बांधा हुआ है ये बहुत दिक्कत कर रहा है। अभी तक हम उसको 3-4 बार, ओ भाई बंदर आ गया, इसको 3-4 बार ठीक कर चुके हैं, फिर भी इस साइड से गिरने लगता है। अभी रोक के इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से बांधते हैं दोबारा से, जिससे ये बार बार दिक्कत ना करे। सो गाइस अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं बरेली में, अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है हमको बरेली क्रॉस करने में। उम्मीद तो यह है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो जल्दी ही क्रॉस कर जाएंगे। अभी हमको यहाँ से कुछ सामान लेना है, एक तो लेना है हमें चेन ल्यूब, और एक लेना है भाई इन्फ्लेटर। रास्ता जो है वो पिथौरागढ़ के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पंचर होने का बहुत ज़्यादा चांस है, और पंचर हो गया तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए पंचर किट और इन्फ्लेटर बहुत ज़रूरी है। सो गाइस अभी रास्ते में एक ट्रक पलट गया है, तो क्रेन उसको उठाने में लगी हुई है, तो रास्ता भी ब्लॉक है। पीछे यार काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं यार कैसे पलट गया ये ट्रक, ये देख रहे हो
पेड़ वेड़ भी टूट गया है। ट्रक है भाई जम्मू कश्मीर का, दो दो क्रेन लगी हुई है यार उठाने के लिए। उठ गया भाई उठ गया। ओ ओ भाई भाई अच्छा है, खाली है वरना तो बहुत टाइम लगता है इसे उठने में। नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ भाई ट्रक में, देख रहे हो कितना लंबा जाम लग गया है। तो गाइस अभी रुके हुए हैं टायर प्रेशर चेक कराने के लिए, हो सकता है टायर प्रेशर ज़्यादा हो गया हो, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तो 60 हो गया था, तो चेक करा लेते हैं। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, लेवल में रहना चाहिए। तो अभी देखो देखते हैं कम निकलता है ज़्यादा। 30 है, 40 कर दो। हाँ 40 कर दो, पीछे वाले टायर में हवा कम थी, आगे वाले मेरे को लग रहा है ज़्यादा होगी। 22 भाई दोनों टायरों में हवा कम निकली, मुझे लग रहा था कि आगे वाले में ज़्यादा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टनकपुर और अभी हम लोगों ने लिया एक छोटा सा ब्रेक, ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। तो ये खड़ी हुई अपनी बाइक्स, ये एक छोटी सी शेड दिख गई थी तो यहीं पर बैठे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है और घर से खाना लेके आए थे, तो खाना खाते हैं यहाँ पे और उसके बाद फिर राइड को कंटिन्यू करते हैं। भाई राइड के पहले दिन तो घर का खाना चलता है, क्योंकि भाई उसके बाद 5-6 दिन का घर का खाना मिलता नहीं है। खाना वाना खा के फिर भाई जल्दी फटाफट से निकलते हैं। तो गाइस खाना पीना खाने के बाद अभी निकल रहे हैं। भाई रास्ता बहुत गंदा मिल रहा है अब। सो गाइस पिथौरागढ़ बचा हुआ है बस 147 किलोमीटर, अब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बची हुई है। सो गाइस अब प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है पहाड़ों वाला रास्ता, मतलब अपना कर्व वाला रास्ता। अब यहाँ से आएगा राइड में थोड़ा सा ट्विस्ट। सो गाइस अभी बाइक को दिया है एक ब्रेक, क्योंकि भाई जो सामने का व्यू है ना एकदम खतरनाक वाला है। लेकिन भाई अभी ना धूप है थोड़ी सी, भाई देखो उधर देखो फॉग कितना ज़्यादा है, इधर देखो धूप कितनी ज़्यादा है। देख रहे भाई कितना प्यारा व्यू है, नीचे पेड़ ही पेड़ दिख रहा है, पेड़ ही पेड़। अभी हम लोग काफ़ी ऊपर हाइट पर आ चुके हैं और अभी तो हमें और ऊपर जाना है। अगर भाई धूप थोड़ी सी कम हो जाए तो मज़ा डबल हो जाएगा। अभी देखो आगे चलते हैं आगे कैसा मौसम होता है, आगे शायद से धूप इतनी ज़्यादा ना मिले। सो गाइस ये देखो डोमिनार का कूलेंट आ चुका है बाहर, ये देख रहे हो हम लोग वहाँ पे गए थे व्यू को एंजॉय करने के लिए, लौट के आए तो पता चला कि इसका कूलेंट निकल गया है, ओवर हो गया था इसीलिए कूलेंट बाहर आ गया, क्योंकि बाइक ना बहुत ओवरहीट हो रही है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा बहुत और ओवर होगा वो भी आगे चल के बाहर आ जाएगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पीछे, क्योंकि अभी मैं लेने वाला हूँ कुछ शॉट्स इंस्टा 360 से, जो कि यार काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग आने वाले हैं। सो 3-2-1 अच्छा अच्छा भाई, जैसा कि आपने सुना पीछे एक एम्बुलेंस चल रही है और जो भैया उसमें बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि यहाँ से लेके ऊपर तक जो ये पैच है इसके बीच आप लोग रुकना मत, क्योंकि हम लोग पीछे खड़े हुए थे। बता रहे हैं यहाँ पे लेपर्ड का बहुत ज़्यादा खतरा है, लेपर्ड ना बाइक वालों को ऐसे पंजा मार के गिरा लेता है। हम लोग खड़े हुए थे तो भैया ने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल भी रुकना सेफ नहीं है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ MT पे, इस पे बैठ के ऐसा लगता है कि आगे भाग रहे हैं। अभी बनवाते हैं कुछ अपनी वीडियोज, भाई बहुत चोटी लगती है ये। भाई यार धूप ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, थोड़ा सा कम होना चाहिए। भाई इतने प्यारे प्यारे लीन मिल रहे हैं ना, क्या ही बताऊं। तो गाइस अभी रुके हुए थे छोटे से ब्रेक पे, बाइक दोनों वहाँ पे खड़ी हुई हैं, धूप में खड़ा किया हुआ है और हम लोग इधर खड़े हुए हैं। और भाई अब ना सर्दी लगना स्टार्ट हो चुकी है, कान बंद करने पड़ेंगे लग रहा है। गाइस ठंडी है, मैं तो कैप भी लेके आया हूं अपना ब्रो, अब चेक करो लुक। अब आ रहा भाई एकदम खतरनाक वाला, थोड़ा इधर करो सर। हाँ नहीं नहीं सामने से दोनों तीर आने चाहिए, अब आ रहा सही। तो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से और अभी हमें ना फ्यूल अप कराना पड़ेगा, अब जहाँ भी अगला फ्यूल पंप पड़ेगा फ्यूल अप कराते हैं, क्योंकि फ्यूल ऑलमोस्ट खाली होने वाला है। एक सेल बचा हुआ ये भी जाने वाला है, ब्लिंक कर रहा था अभी। MT की टंकी अभी छोटी है, इसका जो टैंक है वो 10 लीटर का है। बाइक बहुत शानदार मिल रहे हैं, ये निकली डोमिनार।
सो गाइस पेट्रोल पंप मिल चुका है, अभी अगर आते हैं फ्यूल अप के बाद आपको बताएंगे कितने का माइलेज डोमिनार ने निकाला है। सो गाइस इसमें जो फ्यूल अप हुआ था 11.7 और अभी जो रीडिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चलिए भाई 294 डिवाइड बाई 11.7, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कितने का माइलेज दिया है हमारी डोमिनार ने। 294 डिवाइड बाई 11.7, तो भाई माइलेज है 25 का, जो कि बहुत ही गंदा माइलेज मिला है इस बार। रूट गंदा नहीं है, इस बार रूट भी थोड़ा गंदा है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब मिला था 27 का, तो 25 भी अच्छा है भाई 400cc के अकॉर्डिंग। ट्रिप पे थोड़ा ज्यादा माइलेज मिलता है क्योंकि हम लोग इसको ज्यादा खींचते नहीं है। सो गाइस डेली राइड में तो इतना नहीं मिलता, अगर डेली राइड में इतना मिल जाए तो मजा आ जाए। डेली राइड में हम लोग एग्जॉस्ट लगा के खींचते हैं, 20 के अराउंड ही मिलता है भाई। भाई माइलेज के मामले में यामा की बाइक बहुत बढ़िया है, 40 के ऊपर का माइलेज दे रही है। MT R15 का भी सेम माइलेज आता है, 40 प्लस ही रहता है, और भाई FZ का भी इतना ही रहता है। भाई अब आया थोड़ा सा हटके व्यू, इस साइड चेक करो, देख रहे हो भाई कहते सीढ़ियाँ बनी हुई है। पिथौरागढ़ बचा हुआ भाई 61, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। आज हम लोग इसके लेंगे पिथौरागढ़, और कल का जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा धारचूला। भाई अब होने लगा है सर में दर्द, ये एक रेस्टोरेंट दिखा भाई, भाई यहाँ पीते हैं एक कफ चाय, उसके बाद फिर से राइड कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे यहाँ चाय पीने के लिए, और यहाँ के बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है। नीचे देख रहे हो भाई, वो देखो कहाँ पे घर बने हुए हैं, टावर देखो तुम डेविल भाई, ये देखो भाई, ये टावर देखो यहाँ पे घर बने हुए हैं, वहाँ पे टावर है, मतलब वहाँ पे भी लोग रहते हैं, देख रहे हो भाई। चाय आ गई अपनी, चाय आ गई है, देखने से तो काफी कड़क सी चाय लग रही है। चीयर्स। कड़क चाय लग रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 4:56, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। ये जो जर्नी हम लोगों ने 11 घंटे में कवर की है, 6 बजे हम लोग घर से निकल चुके थे और 5 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यही कैलकुलेशन हम लोगों ने लगाई हुई थी। अभी बीच में लग रहा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी पहुंच नहीं पाए। तो अभी हम लोग पिथौरागढ़ मेन सिटी की ओर नहीं जा रहे हैं, हम लोग इधर साइड जा रहे हैं। दो रास्ते थे, एक पिथौरागढ़ सिटी में जाने का और एक धारचूला जाने के। तो हम लोगों को सुबह धारचूला निकलना है, तो हमने कहा कि इधर साइड ही रूम देखते हैं, सबसे पहले रूम लेते हैं और थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने होटल ले लिया है, और हमको मिला भाई सबसे टॉप फ्लोर पे रूम जैसा कि हमको चाहिए था, और यहाँ से भाई एकदम प्यारा व्यू आ रहा है, और यहाँ से आप पूरे पिथौरागढ़ का व्यू ले सकते हैं। और भाई ये देखो रेलिंग देखो, बहुत ऊँची लगी हुई है, ये देखो यहाँ तक आ रही है, फुल प्रोटेक्शन, नो गिरने का डर। और एक बार मैं आपको रूम और दिखा देता हूँ, सबसे फ्रंट में आपको मिलेगा हमारा लगेज, जो कि हमने खोला नहीं है, ऐसे ही उठा के ले आए हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग की स्टार्टिंग में कि हम लोग सारी चीज़ों का आपको बजट बताते हुए चलेंगे, जो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको एक बजट का आइडिया हो जाए। सो गाइस ये जो रूम हमें पड़ा है 2000 रुपये का पड़ा है 3 लोगों के लिए, जिसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, तो काफ़ी डिसेंट सा है, और रूम की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी खासी है। कैसा लगा रूम? तो गाइस इस होटल की टेरेस पे आपको एक छोटा सा कैफे देखने को मिल जाएगा, छोटा और बहुत ही प्यारा। सो गाइस देखो यहाँ पे चेयर और टेबल डाली हुई है, और ये है इनका कैफे जो कि यार काफी अच्छा है, देख रहे हो। तो गाइस अभी फ्रेश व्रेश होने के बाद अभी हम आ चुके हैं मार्केट साइड, तो जहाँ हमारा होटल है वहीं पे एक छोटा सा मार्केट है, तो अभी हम लोग आए कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाने पीने के लिए। तो गाइस आए तो थे थोड़ा सा हल्का खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, एक दो शॉप है कोई फास्ट फूड की है, फास्ट फूड खाने का भाई बिल्कुल भी इच्छा है नहीं, क्योंकि आज ढंग से खाना हुआ नहीं है। तो अब हम लोग खाएंगे रोटी, तो हम ठोस खाना खाने जा रहे हैं भाई। सो गाइस खाना अपना आ चुका है, हम लोगों ने मंगाई दाल फ्राई, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी एंड तवा रोटी। सो गाइस खाना खाने के बाद अभी वापस आ चुके हैं अपने होटल। हम लोग अभी मार्केट में भी घूमने गए थे, लेकिन अपना मार्केट बंद हो चुका है, क्योंकि पहाड़ों में ना भाई मार्केट बहुत जल्दी बंद होने लगता है। तो अभी हम अपने होटल की टेरेस पे आ गए, और यहाँ पे ना भाई कुछ ऐसा माहौल है, देख रहे हो भाई कितना प्यारा भी मिल रहा है। सो गाइस अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे और सो जाएंगे, अभी यार सुबह जल्दी उठना है, और हमें सुबह निकलना है यहाँ से धारचूला के लिए। और धारचूला की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो यहाँ से दिखा रहा है 90 किलोमीटर, और जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 3 घंटे के आसपास दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि हम लोग रुकते जाते हैं ना। धारचूला जाने के बाद हम लोगों को पास वगैरह का भी कन्फर्म करना है, क्योंकि धारचूला से आगे बढ़ने के लिए हमें एक पास की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारा कुछ प्रोसेस वगैरह देखना पड़ेगा, और मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे पास बनवाना होता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी एपिसोड मिस मत करना। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, बाकी यार आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।